बेस्ट अपॉर्चुनिटी जॉब SSC JEE। तो हम देखेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल समझेंगे SSC JEE के। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC JEE के बारे में। जो SSC JEE का एग्जाम एवरी ईयर कंडक्ट होता है, तो इसमें हम डिटेल समझेंगे वैकेंसी कितनी आती है, सीट कितनी है, बेस्ट कोचिंग कौन सा है और पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, किस ब्रांच के लिए होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो इसको लेती है और बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस क्या होता है। तो इस बस पूरा वीडियो को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों के साथ। सैलरी कितने तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं। SSC JEE किन ब्रांचों के लिए होता है? SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है, जो ये तीन ब्रांचों के लिए मेनली होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में होता है। तो जो अभी थर्ड ईयर में या गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट का 2022 के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये बेस्ट वीडियो है आप लोग, क्योंकि ये बेस्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कोचिंग के बारे में, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है या, और सिलेबस भी पता चल जाएगा, पैकेज भी पता चलेगा, सारी चीज़ें पता चलते हैं। वन बाई वन बात करते हैं तो SSC JEE के बारे में हम लोग बता दिए थे। SSC JEE का पहले नंबर हम ये पूरा हम समझेंगे, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बाद बाकी और भी चीज़ें देखा जाएगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए, आपको डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, और बाकी दोनों में से एक है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म में फिल करते समय गलतियां मत करना SSC में, क्योंकि SSC में गलतियां कर दिए तो आपका वेरिफिकेशन में बाहर कर देते हैं। इसलिए SSC JEE कभी भी करो फिल, बहुत ज़्यादा अच्छे से फिल करो SSC के एग्ज़ाम में, तो आराम से फुल्ली फिल करो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको बाहर कर देते हैं। इसलिए वो नंबर आप स्टूडेंट को ज़्यादा लेते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, बहुत लोगों को फोटो में प्रॉब्लम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी ऐसी आपकी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है, तुरंत बाहर कर देते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, बस। ओके, और बाकी अब बात करते हैं इनका पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। पैटर्न की बात किया जाए, पैटर्न में इनके दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन क्या होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं 2 आवर में, और 200 मार्क्स को तो 1/4 माइनस मार्किंग होता है। तो उसमें क्या होता है ना, 200 क्वेश्चन में तो 100 टेक्निकल होते हैं, जैसे सिविल का 100 होगा, अलग होगा सिविल का ब्रांच से, वो सिविल का होगा, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, जो 100 अदर क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है ना, 50 रीजनिंग के होते रीजनिंग होते हैं और 50 आपकी GS होती है। ये आपको समझना होगा, जो टेक्निकल होते हैं ना, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते, आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी SSC JEE का माना, और आपको थ्योरी थोड़ी अच्छी से नॉलेज याद होनी चाहिए, जैसे BMC सर्वे आपके, जैसे मशीन हुआ, फिर उधर आपके चले जाएंगे तो मैकेनिकल में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, जो कम सब्जेक्ट बिग मतलब ES गेट में पूछा जाता वो यहाँ पे नहीं पूछते, छोटे सर्वे पे फोकस करता, BMC पे पूछा, RCC कंक्रीट पे फोकस करता है, आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करता है, तो वहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे आपको प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं कुछ बुक भी बता दूंगा लास्ट में, कौन सा बुक भी प्रेफर करना वो भी बेटर रहेगा। ओके, तो ये और रीजनिंग हुआ, थोड़ा सा रीजनिंग पहले से टफ आने लगा है, पहले इजी आता था, बट रीजनिंग का पैटर्न इस बार चेंज होगा, तो रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। रीजनिंग में बहुत सारे थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन भी मिक्स करने लगे हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से 2 साल का आराम से पिक्स करो, अच्छे से हो जाएगा। फिर GS थोड़ा टफ आता है, कॉम्प्लिकेटेड आता है, क्योंकि GS का इनका कोई वास्ट नहीं था, यहाँ से 10 से 20 ही मार्क्स आप ला पाओगे, 20 अच्छा प्रिपेयर कर लो तो 20 तक ला सकते हो। करंट अफेयर भी आता है आपके, आप थोड़ा ना साइंस पे फोकस करोगे तो नंबर ज़्यादा ला सकते हो, साइंस और करंट अफेयर, फिर हिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चन ईजी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा पढ़ोगे ना तो आई थिंक नंबर ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट है, बट नंबर ला सकते हो। तो ये चीज़ें हैं सिलेबस की बात किया जब। ओके, ये अब पेपर ये वन होता है, जो प्री होता है, मेंस में क्या होता है आपका, होता है वन पेपर होता है, उसमें होता है आपका 300 मार्क्स का, तो उसमें क्या है, आप जाके मेंस पेपर होता है तो उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के होते हैं पेपर वन, तो SSC JEE का। ओके, अब बात करते हैं और आपको SSC JEE का प्रिपरेशन कहाँ से करना है, ये चीज़ आपको पता चल गई है, आप लोगों को 1/4 होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर वेरिफिकेशन होती है, सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस में बता दिया मैंने, सिलेबस में GS सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में ऐसे कवर कर दिया। ओके ओके, और नोटिफिकेशन जब आएगा तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और अब इसमें क्या होता है ना, पे ग्रेड डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होता है, तो इसमें हम बात करते हैं पहले कौन कौन सी ऐसी जो हैं इनको आप जाओगे सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद इसमें क्या होता है ना, सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर आपके CPWD भी होते, MES भी होता है, फिर
फैराज प्रोजेक्ट है, BRO भी है आपके, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन भी हैं, और आपके बहुत सारे हैं, फिन डायरेक्टोरेटी क्वालिटी नेवल भी है, NTRO नेशनल टेक्निक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं 3 ब्रांचों के लिए। ओके मेनली अब बात करते हैं, आप इसका ग्रेड पे कितना होता है। ग्रेड पे आप लोग सोच रहे होंगे ग्रेड पे सैलरी कितना होगा, ये आपके माइंड में आता है, तो बता देते हैं कि जूनियर इंजीनियर जो CWCS का होता है, सेंट्रल वाटर कमीशन का, वो पे ग्रेड होता है 4200 होता है, जिसमें 32 हज़ार 37 हज़ार के बीच ऑलमोस्ट इनकी सैलरी होती है। ओके तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि अब सिलेबस में जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में मोस्टली आपका ना सिलेबस में आपको BMC फोकस करना है, और RCC फोकस करना है, सर्वे फोकस करना है, सोम पोल फोकस करना है, और RCC सर्वे और ये सारे सब्जेक्ट फोकस करना है। ओके और पैटर्न भी बता दिया क्या होता है आपका, SSCJE का पूरा डिटेल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ। देखिए वैकेंसी कितनी आती है, वैकेंसी हर साल सिविल की मतलब 800 900 1000 1500 के करीब आ जाती है, तो और इलेक्ट्रिकल का 100 150 आती है, मैकेनिकल का भी 100 150 वैकेंसी आती है, तो इसलिए सिविल में ज़्यादा प्रेफरेंस, आप कॉलेज में हो तो ये सोचोगे कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा ट्राई करोगे तो वहाँ से हो सकता है। अब बात करते कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सी बुक ले कर, कौन सा कोचिंग, टॉप क्लास की कोचिंग, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस। तो बुक की बात बहुत लोग प्रेफर करते हैं, दो बुक की बारे में बात करूँगी, एक तो RS खुरमी एंड गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता एंड गुप्ता से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, तो जो डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है, तो एंड गुप्ता एंड गुप्ता, RS खुरमी, आप दोनों में से कोई एक उठा सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, ये बेस्ट बुक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे सॉइल के सोमिस्टर, ये मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे आपके इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिर आपके मैकेनिकल में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वाले बहुत सारे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन करोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वहाँ से, आप जैसे कॉलेज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो जूनियर इंजीनियर पर फोकस पर कर सकते हो, जो बहुत नीचे कॉलेज से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। ओके अब बात करते कोचिंग की, बात कीजिए कोचिंग कौन सा लिया जाए, तो टॉप क्लास की दो कोचिंग मैं बताऊंगा जो आपके दिल को खुश कर देगा, ऑफ ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तो कोई पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन दो कोचिंग बताऊंगा जो टॉप क्लास के। तो ऑनलाइन में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे मैं ग्रेड अप को रखूंगा, ग्रेड अप इज द बेस्ट कोचिंग आई थिंक अभी SSCJE के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके तो और भी कोचिंग है जैसे अड्डा 24x7 है, वाईफाई स्टडी है, अन अकेडमी है, बहुत सारे ऐसे चोर है, तो ये ग्रेड अप पे मैं जाना चाहता हूँ, ग्रेड अप आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज की बात करूँगा, टेस्ट सीरीज आप टेस्ट बुक का ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक का द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, टेस्ट बुक को आप बेस्ट कर ले सकते हो, टेस्ट बुक का बेस्ट है। और एक और कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, एक इंजीनियरिंग एकेडमी है वो बहुत अल्टीमेट है, क्योंकि इंजीनियरिंग एकेडमी ने SSCJE के लिए बहुत परफेक्ट है, तो दो कोचिंग आई थिंक आप लोग SSCJE के लिए जा सकते हो। अब बात करते हैं बुक और प्रीवियस ईयर जो बुक होता है ना वो किसका ली, ये भी एक माइंड में आप, क्योंकि यार ये बुक जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बोलूँगा कि आप मास्टर्स, एक होता है मास्टर्स ईयर्स, इसको रिवर्स में कह दोगे तो कन्फर्म नाम आ जाएगा जैसे ईयर्स मास्टर का, तो ईयर्स मास्टर एक कोचिंग है, तो ईयर्स मास्टर का अपना बुक प्रिफर्ड कर सकते, बहुत अच्छी कंटेंट है, तो वहाँ पे उनके प्रीवियस ईयर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं सोच नहीं सकते, कोई ऐसा प्रीवियस ईयर देता नहीं है, सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है, बहुत सारे इसकी रीजनिंग के बुक ले लो या एप्टीट्यूड की रीजनिंग के ले लो या टेक्निकल की बुक ले लो, बहुत अच्छी है, वो दोनों में से आप ले सकते हो। तो और ये सारी चीज़ें प्रोसेस अभी 1 साल का है, अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके अगले साल देना है पेपर, इस साल हो गया तो अगले साल पेपर दोगे तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहे, इसलिए अभी से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो जल्दी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो को, जय हिंद वंदे मातरम।